रतनगढ़ के गांव नौसरिया में पिछले 4 माह से RUB के अधूरे पड़े निर्माण कार्य से परेशान होकर ग्रामीणों ने आज जाम लगाकर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन व जाम की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए, तब जाकर आवागमन दुरुस्त हुआ, लेकिन इस दौरान स्कूली बच्चों सहित कई लोग करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। मामले के अनुसार रतनगढ़ सरदार शहर ब्रॉडगेज लाइन के नीचे रेलवे द्वारा अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। गांव नौसरिया में उक्त अंडर ब्रिज का कार्य पिछले 4 महीनों से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण वाहन चालकों के साथ साथ आम जन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह नौसरिया के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में भैरू सिंह राजपुरोहित, गिरधारी लाल शर्मा, पुरखा राम मूंड सहित कई विद्यार्थी व ग्रामीण जन उपस्थित थे। सभी लोग आने जाने आगे रतनगढ़ से भानु दादक थे, इसके आगे 30 गांव पड़ते हैं, सबके सब परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। 4 महीने से जैसे खड्डे खोद के छोड़े थे वैसे ही पड़ा है। ठेकेदार कहीं और, उसकी साइट कहीं और चल रही है, वो यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहा। पब्लिक डेली परेशान हो रही है, स्कूल वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चे, सबके सब परेशान हो रहे हैं। जितना दिन में 2-3 बार फोन करके देख लिया, वो सिर्फ एक मीठी गोली देते हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन काम चालू नहीं करा। इसलिए सब सारे परेशान हो गए, आज एकजुट हुए हैं, और अगर अभी सुनवाई नहीं की तो आगे उग्र आंदोलन होगा। हमारा आज ये प्रदर्शन ये रहेगा कि हमने जो ठेकेदार को बार बार अवगत करवा दिया है, 4 महीने से पूरा अवरोध पड़ा है। जैसे हमने 4 महीने पहले ठेकेदार को सूचना दी थी कि ये जो रास्ता है, अगर आप पुल पास नहीं बना नहीं सको तो इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, तो ठेकेदार ने हमारी बात मान के 4 महीने पहले यहाँ पे झेगरा डाल के थोड़ा सा सही किया था रास्ते को, लेकिन बरसात के कारण ये रास्ते में वापस गड्ढे पड़ गए थे। इसलिए हमने वापस आज ठेकेदार को और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आज शाम को 7 बजे के टाइम तक ये रास्ता सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाए।